नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एडीएल न्यूज। जहाँ यूपी इलेक्शन अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, वहीं नोएडा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का डर खत्म नहीं हुआ है। यादव अब भी नोएडा को अशुभ मानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पिछले 11 सालों में नोएडा की भूमि पर कदम नहीं रखा है। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही किया। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव अंधविश्वास का दामन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। बता दें कि नोएडा को वो आज भी अशुभ मानते हैं। अखिलेश ने पिछले 11 सालों से नोएडा की भूमि पर कदम नहीं रखा है। 2012 से 2017 तक अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल तक में वह एक भी बार नोएडा नहीं आए। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला रात 11 बजे ग्रेटर नोएडा के लोहाली दादरी टोल प्लाजा पहुंचा, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह नोएडा की जमीन पर पैर नहीं रखा। बता दें कि टोल प्लाजा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बारिश के बावजूद कई घंटों से अखिलेश का इंतजार कर रहे थे। 11 साल बाद पहुंचे अखिलेश के आते ही कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन अखिलेश अपनी गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे। सपा प्रमुख ने रथ की खिड़की खोलकर हाथ हिलाया और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि अखिलेश नीचे उतरकर उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि जो भी नेता नोएडा का दौरा करते हैं उसकी कुर्सी चली जाती है। 1980 से लेकर अब तक 5 बार ऐसा हो चुका है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को नोएडा का दौरा करने के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अखिलेश भी इस अंधविश्वास को मानते हैं, इसीलिए अपनी सरकार जाने के बाद भी उन्होंने नोएडा में कदम नहीं रखा। 1980 में एनडी तिवारी नोएडा आए थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी गवा बैठे। इसी तरह 1988 में वीर बहादुर सिंह ने नोएडा का दौरा किया, इसके कुछ दिन बाद उनकी कुर्सी चली गई। 1995 में मुलायम सिंह, 1997 में मायावती और 1999 में कल्याण सिंह के साथ भी यही हुआ। 2011 में भी मायावती नोएडा आई और 2012 में सत्ता से बाहर हो गईं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अंधविश्वास को नहीं मानते। अपने कार्यकाल के दौरान वह 20 से ज्यादा बार नोएडा आ चुके हैं। सीएम योगी मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए 23 दिसंबर 2017 को नोएडा आए थे। इस दौरान हुई सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार अखिलेश को नोएडा के बहाने अंधविश्वासी करार दिया। 25 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा को लेकर एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता, उस मिथ को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग में ऐसा हो नहीं सकता। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। धन्यवाद।